नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में बुधवार को 4 माह के जुड़वा बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। माणक चौक थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में रहने वाले आमिर कुरेशी के बेटे और बेटी के शव घर की पहली मंजिल पर रखी पानी की टंकी में मिले। घटना के समय बच्चों के पिता आमिर घर पर नहीं थे और एक कार्यक्रम में गए थे। माँ पम्मी उर्फ मुस्कान ने फोन पर आमिर को जानकारी दी। पिता के आने पर बच्चों को पानी की टंकी से निकाला गया और बिना पुलिस को सूचना दिए कब्रिस्तान में दफना दिया। बच्चों की मौत को संदिग्ध मानते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। कि अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले ये हमारे को सूचना आई है, पुलिस जो है इसमें तस्दीक कर रही है। अच्छा, इनको निकलवा के क्या जांच करेंगे? जैसे पानी डूबने से मौत तो पता, अगर होगा तो दोनों तरीकों में मारा होगा, मरे होंगे, दोनों की विधिवत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्या किसी और एंगल को भी देख रही है कि कहीं हत्या है या जानबूझकर किया गया है? पुलिस सारे एंगल से जो है वो जाँच करेगी। हुआ, दो बच्चों की मौत हुई है, क्या मामला है? देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थाने पर आकर कि दो बच्चियों की पानी में डूबने से जो है मृत्यु हो गई है। 4 माह की एक लड़का और एक लड़की थी जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसे जो है कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। प्राथमिक सूचना पर जो है मर्ग कायम कर लिया गया है और इसकी जाँच की जाए। बच्चों को दफनाने के बाद में क्या उनको निकालेंगे, क्या करेंगे? अब पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई इसमें जो है पुलिस द्वारा ली जाएगी और अग्रिम कार्रवाई के बाद आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक कुछ सामने आया कि मर्डर रहे बच्चों का क्या है? अभी ये मार्ग जांच पे है, अभी कुछ समय पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास संज्ञान में आया, विवेचना में, मार्ग विवेचना के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां नवंबर का आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है और इंदौर में अब ठंड का असर दिखने लगा है। 3 दिन में दिन के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है, वहीं रात का न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री गिरा है। हवा में ठंडक के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को सुबह 11 बजे तक ठंड का असर रहा, लोगों को स्वेटर, जैकेट और शॉल निकाल कर पहनना पड़े। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। इसी बुधवार रात का न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के बराबर था, जिसके चलते ठिठुरन महसूस होने लगी, वही ऊनी कपड़े भी दिखने लगे। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। ठंड बढ़ने के साथ ही चाय की चाहत बढ़ गई और गराड़, सूरन और कच्ची हल्दी जैसे गर्म तासीर की फल सब्जियों के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा के आटे की डिमांड बढ़ने लगी है। वहीं दूध के कड़ाव सजने लगे हैं और गर्मा गर्म जलेबी के ठिए आबाद होने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड का असर और बढ़ेगा। बात करते हैं आईफोन की, जहां आईफोन 17 एयर 2025 में लॉन्च हो सकता है और अपनी पतली डिजाइन और दमदार फीचर्स के लिए ये फोन खास होगा। इसकी मोटाई मात्र 5.1 मिमी होगी। इसमें 6.6 इंच प्रोमोशन डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और A19 चिपसेट के साथ तेज परफॉर्मेंस मिलेगी। कैमरा सेटअप में 48MP रियर और 24MP फ्रंट कैमरा शामिल होगा। iPhone 17 Air के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं, जो अगले साल 2025 में लॉन्च हो सकती हैं। यह आईफोन खास तौर पर उसकी पतली डिजाइन और मजबूत फीचर्स के लिए जाना जाएगा। iPhone 17 Air बेहद पतला होगा, जिसकी मोटाई केवल 5.1 मिमी होने का अनुमान है, यानी यह iPhone 16 से 2.7 मिमी पतला होगा। इसके फ्रेम में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का उपयोग हो सकता है, जिससे यह और भी हल्का और मजबूत बनेगा। इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले होगा, जिसमें प्रोमोशन टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जो 120Hz के एडजस्टेबल रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर मूवमेंट्स बहुत स्मूथ और क्लियर होंगे। वहीं कैमरे की बात करें तो आईफोन 17 एयर में पीछे की तरफ केवल एक 48MP कैमरा हो सकता है, जो आईफोन 16 प्लस के जैसा हो सकता है। इसके अलावा इसमें 24MP का फ्रंट कैमरा भी हो सकता है, जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी में सुधार करेगा। इस आईफोन में A19 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे डिवाइस की परफॉर्मेंस और भी तेज होगी। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से 17,800
71 पदों की भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी और इसमें से 1834 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के और 16037 पद सहायिकाओं के होंगे। यह भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी की जाएगी। सरकार ने 12670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन को भी स्वीकृति दी है, साथ ही जिससे इन केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और एमपी ऑनलाइन कियोस्क स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन के बाद विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अंत में एक अंतिम सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और आवेदन शुल्क ₹100 GST अतिरिक्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल के शुभारंभ के दौरान कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों के को शीघ्र ही भरने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल चयन या MP ऑनलाइन पर उपलब्ध होगी, जिससे आवेदनकर्ताओं को हर चरण में पारदर्शिता की पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां MP के पन्ना जिले में फिर से किस्मत ने एक मजदूर का साथ दिया और विलखुरा गांव के सुरेंद्र सिंह को उथली हीरा खदान में खुदाई करते समय 5.87 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। यह हीरा करीब 20 लाख रुपए कीमत का है और सुरेंद्र ने इसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है। यह हीरा 5 दिसंबर को शुरू होने वाली नीलामी में बोली के लिए रखा जाएगा। पन्ना में हीरे की खदानों से इस तरह के दुर्लभ हीरों की खोज अक्सर मजदूरों की किस्मत बदल देती है। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान जल्द शुरू होने वाली है और यह घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान की है। इस कदम से प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रायपुर विमानतल पर कार्गो हब के विकास की योजना भी बनाई गई है, जिससे पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।